देश में चावल से इथेनॉल उत्पादन की तकनीक काफ़ी महंगी है। यह एक विकल्प है, लेकिन वर्तमान तकनीक से मुनाफे से ज़्यादा नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सस्ती तकनीक से विकसित की है जिससे एथेनॉल ही नहीं बल्कि प्रोटीन निकालकर लाभ कमाया जा सकता है। इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और मवेशियों के लिए चारा भी प्राप्त होगा। इससे अलग आमदनी हो सकती है। गोदामों में चावल सड़ने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 13 साल तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि यदि सरकारी गोदामों में चावल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है तो गरीबों में बांट दिया जाए। दरअसल ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ सहित धान का उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ साथ पूरे देश में धान की खेती होती है। जाहिर है इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि गोदामों से लेकर धान खरीदी केंद्र तक धान और चावल सड़ने की खबरें आए दिन आते रहती है। इसी के साथ ही धान के खाद्यान्न के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार किया गया। इससे एथेनॉल एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा। हालांकि यह प्रोडक्ट कम लाभ देने वाला है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन के विकल्प पर काम किया और उन्हें सफलता हाथ लगी। पूरे भारत देश में और हमारे प्रदेश में भी चावल बड़ी तादाद में इसका उत्पादन हो रहा है एवं पूरे विश्व में चावल के वैकल्पिक उपयोग पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि खाने के सिवा मानव भोजन के अलावा भी चावल के उपयोग कर कैसे आर्थिक लाभ कमाया जाए। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल से प्रोटीन पृथक करने की एक सरल, सुगम एवं सस्ती विधि का खोज की है। इसके अंदर में हम चावल, 1 किलो चावल या 1 किलो कनकी से लगभग 90 ग्राम प्रोटीन तक पृथक करने में सफल हुए हैं। यदि ये 90 ग्राम प्रोटीन पृथक कर लिया जाता है उसके बाद भी इससे लगभग 400 मिलीलीटर 1 किलो चावल से इथेनॉल प्राप्त होता है। तो जहाँ चावल से इथेनॉल अकेला निकालना एक लाभकारी उपक्रम नहीं है, वहीं पर चावल से यदि प्रोटीन अलग कर लिया जाए तो ये प्रोटीन की मात्रा शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त होगी और तब चावल से इथेनॉल निकालने का उपक्रम एक लाभकारी उपक्रम साबित होगा। इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हमको प्रोटीन तो प्राप्त होता है, इथेनॉल प्राप्त होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। 1 किलो चावल से को प्रोसेस करने में लगभग 4.5 लीटर तक के कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जिसको विक्रय कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, उनको उनकी फैक्ट्री को बेच के भी एक अलग से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक डिस्टिलरी में, जहाँ पर भी डिस्टिलेशन होती हैं अल्कोहल की और अदर चीज़ों की, वहाँ एक BDS का उत्पादन होता है, उसको भी जानवरों के भोजन के रूप में, कैटल फीड के रूप में उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा है कि 11 किलो चावल या कनकी से लगभग 1 किलो प्रोटीन और लगभग 4.5 लीटर इथेनॉल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चावल का उपयोग करके उससे चावल की बजाय 3 गुना तक अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का पेटेंट कराने के लिए हमने अप्लाई किया है, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष के अंदर इस विधि का हमारा पेटेंट हासिल हो जाएगा। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सतीश वेरुलकर और डॉक्टर शुभा बनर्जी ने यह तरीका ईजाद किया है। प्रयोग में यह बात सामने आई है कि चावल से बने प्रोटीन की पाचन क्षमता 90% ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज के बाद छत्तीसगढ़ में प्रोटीन इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 30,000 मैट्रिक चावल अतिशेष बच जाता है। दुनिया में प्रोटीन का $11 बिलियन का मार्केट है।
जिसमें भारत के $2 बिलियन की खपत है। ऐसे में प्लांट बेस्ड प्रोटीन की ज़्यादा डिमांड के चलते ये खोज बेहद अहम मानी जा रही है। इस तकनीक से 100 रुपये के चावल को प्रोसेस कर 400 रुपये का प्रोटीन तैयार किया जा सकता है। NPG का डिजिटल चैनल तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।